काफी वेबसाइट ऐसी भी हैं जो ट्रांसलेशन भी दे रही हैं आजकल, जो द हिंदू के आर्टिकल हैं, इंग्लिश जो इंडियन एक्सप्रेस के हैं, और भी आर्टिकल्स अच्छे अच्छे आ रहे हैं, उनका ट्रांसलेशन थोड़ा सरल भाषा में प्रस्तुत हो रहा है। बहुत से यूट्यूब चैनल हैं, वेबसाइट हैं, और मैगजीन भी कई शामिल उसमें कर रही हैं उसको। तो कोशिश करना चाहिए कि मिक्स एक स्ट्रेटजी अपनाई जाए उसमें, कि थोड़ा थोड़ा इंग्लिश पढ़ लिया, फिर हिंदी पढ़ लिया। लेकिन हिंदी के पेपर आज इस स्तर पर के आधे भी स्तर पर नहीं है कि वो यूपीएससी को मतलब सेटिस्फाई कर सके डिमांड।